हेलो स्टूडेंट्स, मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। तो मेरे फादर ने बोला, वो मैथ्स टीचर थी, तो बोले फंक्शन तेरे को प्रॉब्लम आ रही है फंक्शन सीखने में। मैं बहुत डर रहा था फंक्शन से, फंक्शन मुझे अच्छा नहीं लगता था, स्कूल में समझ नहीं आ रहा था। तो फादर ने बोला कि आंटी के पास जा करके सीख ले। अच्छा, पहले बच्चे सारी बात मान भी लिया करते थे पेरेंट्स की, जैसे आजकल उल्टा होता है ना, पेरेंट्स बच्चों की सारी बातें मान लेते हैं। तो ठीक है, मैं आंटी के पास गया फंक्शन सीखने। अब उन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी, वो पता नहीं कहाँ की थी, एमपी की तो नहीं थी, साउथ वगैरह की कहीं होगी। तो उन्होंने स्टार्टिंग ही ऐसे करी, मैं तुमको बताती अब फंक्शन कैसे इन्वर्टिबल होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। अब मुझे तो पता नहीं अजीब सा लगने लगा, मैंने कहा यार ऐसे तो चलेगा नहीं। अच्छा, ये हमारे यहाँ ट्रेंड है, हम कहीं से भी किसी चीज़ को उठा लेते हैं। अब भाई पहले ये तो बताओ, इन्वर्टिबल क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए हमारे। तो गाइज, आज के सेशन में हम फंक्शन का हमारा सेकंड सेशन है। मैं क्विकली एक बार बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट सेशन में हमने क्या क्या सीखा था। फर्स्ट सेशन में हमने गाइज ये सीखा था कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन की क्या बेसिक कंडीशंस होती है। इसके अलावा हमने ये सीखा था गाइस, जस्ट अ मिनट, यस गाइस, तो फर्स्ट वाले सेशन में हमने ये बेसिक बेसिक सारा पढ़ लिया था, राइट। अब आज जो सेशन है उसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। वहां से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस चीज की बेसिक से हम पढ़ चुके थे, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले यह चीज समझ लीजिए कि f कोई फंक्शन है a टू b, तो f इनवर्स जो फंक्शन होगा हमारा वो जस्ट उल्टा होगा b टू a। इज दैट क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं डायग्राम से भी इसको दिखाऊं, तो ये सपोज करो मेरा कोई फंक्शन है f जो कनेक्ट बना रहा है a से b का, है ना। अब यहां पर देखिएगा, सपोज करो a की इमेज है p, बी की भी इमेज है पी, और सी की भी इमेज है पी। इज दैट क्लियर? ऐसा तो होता ही है ना, फंक्शन में तीन एलिमेंट की एक ही इमेज है, वो तो हम अलाउ करते ही हैं। अब यदि मैं एफ इनवर्स फंक्शन बनाता हूं तो उसमें उल्टा हो जाता है, ये जो मेरा बी है ना ये इधर आ जाएगा, और ये जो मेरा ए है ये इधर आ जाएगा, तो ये पी यहां आ जाएगा, ए बी सी यहां आ जाएंगे, और कनेक्ट वही बनाना अपने को ऐसा। ये मेरा f इनवर्स, क्या हम इसको फंक्शन बोल पाएंगे? फंक्शन का तो बेसिक कंडीशन ही यही होता है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हम अलाउ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये मेरा फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि मेनी वन टाइप का कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनवर्स निकालने की पहली कंडीशन हो गई, द फंक्शन मस्ट बी वन वन। फंक्शन मस्ट बी वन वन, वन वन है तो ही इनवर्स निकालना पॉसिबल है। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए दूसरी बात अपन करते हैं। अब ये मेरा एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं डायग्राम बना करके आपको दिखा रहा हूं। वन वन सपोज करिए, यहां पर ए बी सी ये तीन एलिमेंट है, ए की इमेज है पी, बी की इमेज है क्यू, सी की इमेज है आर, और एक एलिमेंट है एस, वो किसी की इमेज नहीं है, और ये मेरा एफ फंक्शन है जो ए से बी को कनेक्ट कर रहा है। यहां मेरा ए ये है, बी ये है। अब मैं एफ इनवर्स, ये वन वन है ना, जैसे मैंने बोला था फंक्शन मस्ट बी वन वन, तो ठीक है भाई ये वन वन है तो ये इनवर्स होना चाहिए, इसका इन्वर्टिबल होना चाहिए या इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका सर्कल है, ये वाला और ये वाला, तो ये इधर आ जाएगा पी क्यू आर एस, ये बी यहां आ गया, मेरा ए यहां आ गया, और कनेक्ट ऐसे बनेगा ए बी सी। पी का कनेक्ट किससे बन रहा है? ए से। क्यू का कनेक्ट बी से,
और आर का कनेक्ट बन रहा सी से और एस का कनेक्ट किसी से बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एस एस की कोई इमेज है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ये भी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है कि डोमेन सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज नहीं हो। इमेज होना चाहिए हर एक की। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे फंक्शन भी हम अलाउ नहीं करेंगे इनवर्स निकालने के लिए जिसमें कोई एलिमेंट फालतू हो जो किसी की इमेज नहीं हो। ऐसे को क्या बोला था कल, याद है आपको? इनटू फंक्शन है ये, है ना? और इनटू फंक्शन के कभी इनवर्स नहीं निकाले जाते। इसका मतलब एक कंडीशन और हो गई कि फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी हम निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन कैसा होगा, वन वन ऑन टू हो, है ना? तो इस चीज को हम बोलेंगे अ फंक्शन हैज इनवर्स ओनली व्हेन इट इज वन वन ऑन टू। इज दैट क्लियर गाइस? ये चीज आपको याद रखना है। तो हमको बोलना है कि अ फंक्शन हैज इनवर्स ओनली व्हेन इट इज वन वन ऑन टू। अ फंक्शन हैज इनवर्स ओनली व्हेन इट इज वन वन ऑन टू। इसी बात को दूसरे तरीके से हम बोलें या थोड़ी सी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में हम इस तरह से बोल देते हैं, अ फंक्शन इज इनवर्टिबल व्हेन इट इज वन वन ऑन टू। अ फंक्शन इज इनवर्टिबल। इनवर्स निकलेगा मतलब वो इनवर्टिबल है ना। अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज वन वन ऑन टू के लिए भी कल एक नया वर्ड बताया था मैंने पिछले सेशन मेरे वीडियो में, व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ फंक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए गाइस आगे बढ़े। अब ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना आपको पूरा समझ आ रहा होगा। मैं बहुत इजी वे में, बहुत कंफर्टेबल वे में आपको ये चीजें बता रहा हूँ। फिर भी आपको कोई चीज ऐसा लगता है, इफ देर इज एनी फीडबैक यू कैन गिव मी अबाउट सेक्शन में। आपको मेरा मेल एड्रेस डेफिनेटली मिलेगा, SNLJN2511@gmail.com। तो आप अपना फीडबैक इसके ऊपर दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक फीडबैक आया था मेरे एक रिलेटिव के से अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि ये जो कलर है ना वो आपने वो वहां पे रेड की जगह व्हाइट लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो ऐसे भी फीडबैक लोग दे देते हैं जिनको कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उनके फीडबैक ऐसे भी रहते हैं। तो आई होप आप जो फीडबैक देंगे वो मेरे काम का होगा, है ना? यस गाइस, अब हम बात करेंगे फंक्शन का इनवर्स फाइंड कैसे करना, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इन्वर्स निकालने के लिए एक चीज समझ लीजिए, तीन स्टेप में सिर्फ इन्वर्स निकालना मैं सिखा दूंगा किसी फंक्शन का। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, पहली स्टेप पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, जो भी आपका एफ एक्स है उसको वाई लिख दो। पहले से वाई है तो ठीक है, नो इश्यूज, नहीं है तो एफ एक्स को वाई लिख दो। दूसरी स्टेप सॉल्व एंड गेट एक्स, सॉल्व करके एक्स निकाल लो। तीसरी स्टेप इंटरचेंज एक्स एंड वाई, दैट्स इट, बस हो गया। एक्स को वाई कर दो, वाई की जगह एक्स कर दो, तो वाई इक्वल टू हमारा आंसर ही आएगा। जो आएगा वो हमारा आंसर ही आएगा, यानी कि हमारा वो इन्वर्स ही होगा। इज दैट क्लियर? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेके बताता हूं आपको, जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका मेरे को इन्वर्स निकालना है। तो क्या सिखाया था, पहला स्टेप में क्या करना, एफ एक्स को वाई रख दो तो ये हो गया वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। दूसरे स्टेप में क्या सिखाया था, सॉल्व करके एक्स निकाल लो, तो थ्री को इधर ले लो तो वाई माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू एक्स, क्योंकि वाई माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा, टू अपॉन में आ गया तो वाई माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू एक्स। और फाइनली लास्ट स्टेप में क्या बताया, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, वाई। तो ये मेरा हो जाएगा वाई इक्वल टू
एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, ये मेरा आंसर है। वाई इक्वल टू जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा, वही मेरा इन्वर्स होगा। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इन्वर्स निकालने का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। क्लियर? अब यहां पर एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? y। पहली स्टेप में यही सिखाया था मैंने, y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करके x लाना है तो ठीक है भाई, दूसरी स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके हमको x लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरा बनेगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई एक्स माइनस टू वाई। अब x x वाले टर्म एक तरफ ले लें तो x माइनस वाई एक्स इक्वल टू वन माइनस टू वाई, वाई वाई वाले सब एक तरफ, कॉन्स्टेंट सब एक तरफ, ये ऐसा कर लिया मैंने। x कॉमन ले लूँ तो वन माइनस वाई इक्वल टू वन माइनस टू वाई, तो मेरा x इक्वल टू क्या बनेगा गाइस? वन माइनस टू वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई। इज दैट क्लियर? अब मैंने प्योरली x इक्वल टू निकाल लिया वो जो y के टर्म्स में। अब लास्ट स्टेप हमारी क्या थी? x और y को इंटरचेंज कर दो तो ये y इक्वल टू वन माइनस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ईजी होता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके अंदर, यू कैन डिटरमाइन देम इजीली। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए एक नया फंडा आपको सिखा रहा हूं अब मैं, वो है फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, अब इसके अंदर सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ये एक फंक्शन है। जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर गाइस? अब फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। कोई आपको बोले कि फाइंड जी एफ ओ जी, एफ ओ जी कॉमा जी ओ एफ कॉमा एफ ओ एफ कॉमा जी ओ जी, ये सारे सिंबल्स होते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के। इनके मीनिंग भी समझाऊंगा मैं आपको, अच्छे से समझ आएगा। सपोज आपको पूछा है किसी ने कि ये निकालो एफ ओ जी, एफ ओ जी मैं समझाता हूँ, एफ ओ जी किसका शॉर्ट फॉर्म है। एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसी को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं एफ ओ जी। इज दैट क्लियर? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये आपको फाइंड करना है। तो अब एफ ऑफ, अब जी एक्स मतलब क्या? जी एक्स ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, तो आप लिख दो यहां पर एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। अब देखो एफ एक्स क्या है? टू एक्स प्लस वन। तो कोई आपसे पूछे एफ वन क्या होगा? तो टू इंटू वन प्लस वन। कोई बोले कि एफ जेड क्या होगा? तो टू जेड प्लस वन। ऐसा मतलब जो पूछे एक्स की जगह जो बोल दे वो यहां पर आपको रखना है। अब जैसे यहां पर एक्स की जगह अपने एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स यदि ऐसा है तो एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो जहां जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर कर दो, सिंपल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अब अपन ये भी निकाल लेते हैं जी ओ एफ क्या होगा। जी ओ एफ, या फिर से लिख देता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन था और जी एक्स इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर था। तो ये जी ओ एफ यदि अपने को कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इसका मतलब होता है। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या है? टू एक्स प्लस वन, तो ये मेरा जी ऑफ टू एक्स प्लस वन। अब जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां एक्स है वहां टू एक्स प्लस वन आएगा, तो ये मेरा टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से अपन कर सकते हैं। यदि कोई आपको बोले कि एफ ओ एफ निकालो, तो एफ ओ एफ का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एफ एक्स टू एक्स प्लस वन। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का वैल्यू रख दिया। अब एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन, अब एफ ऑफ एक्स क्या है? टू एक्स प्लस वन, तो टू और एक्स की जगह फिर से टू एक्स प्लस वन प्लस वन, तो ये मेरा आ जाएगा टू टू जा फोर एक्स प्लस टू प्लस वन, फोर एक्स प्लस थ्री मेरा आ गया एफ ओ एफ का वैल्यू। इज दैट क्लियर? इसी तरह से जी ओ जी भी अपन निकाल सकते हैं गाइज। जी ओ जी का मतलब अब तो आप बता सकते हैं, जी ऑफ जी एक्स। इज दैट क्लियर? अब जी ऑफ जी एक्स क्या है? मेरा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर जी एक्स मेरा ये, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इसी फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर रखना है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर और वापस ऊपर से स्क्वायर, तो ये मेरा बनेगा एक्स पावर फोर। तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं।
क्लियर गाइस। इसी क्वेश्चन में यदि आपको ऐसा पूछा हो कि FOG1 क्या होगा, FOG1 निकालो, FOG हम निकाल चुके थे, ये रहा FOG आपका, क्या था 2x² + 1, तो FOG था मेरा, यहां लिख देता हूं मैं, FOG था मेरा 2x² + 1, और आपको क्या पूछा, FOG 1 मतलब x की जगह 1 रख दो तो ये आ जाएगा 2 × 1² + 1, तो ये मेरा 3 आ गया, तो FOG 1 हो गया 3। इज दैट क्लियर। इसी काम को करने का शॉर्टकट बता देता हूं, जल्दी कैसे करना है इस काम को। FOG 1, तो 1 को पहले g फंक्शन में पुट करो, इसके पड़ोस में कौन है, g है ना पहले, तो ये g फंक्शन में 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आया, और फिर वो जो आंसर आया उसको f फंक्शन में पुट करो, तो ये 1 × 2 + 1 कितना आ गया 3, तो मेरा 3 हो गया आंसर। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई आपको बोले कि आप बताओ FOG 4 कितना होगा, ये क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस कर लो इस चीज की। तो पहले 4 को g फंक्शन में रखना, g इसके पड़ोस में आ रहा पहले, तो 4 को g में रखो, 4² 16 16, फिर यहां पुट कर दो इसमें, 16 × 2 = 32 + 1, ये आ गया आपका 33। इज दैट क्लियर गाइज। इस तरह से यदि कोई आपको बोले कि GOF2 निकालो, FOG के बजाय GOF2 निकालो, तो पहले 2 को कहां रखना, f के अंदर रखना, f ज्यादा पड़ोस में है ना, ये f में 2 रखो तो 2 × 4 + 1 = 5, और 5² = 25। तो इस तरह से अपन आंसर दे सकते हैं। यस गाइज, तो इसके बाद आते हैं हम डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। डोमेन एंड रेंज, कई बार हमको फंक्शन तो दे देते हैं लेकिन डोमेन और रेंज उसके साथ में अवेलेबल नहीं है, वो हमें निकालना है ना। जैसे कई बार हम बोलते थे ना कि जैसे ये f इज ए फंक्शन फ्रॉम एंड टू एंड, तो ये डोमेन है, ये इसका को डोमेन है, रेंज ए फंक्शन दिया है, मगर यहां पर उल्टा है, फंक्शन तो दिया है, डोमेन और रेंज हमको फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डोमेन को हम लोग यहां पर डिफाइन कैसे करते हैं। डोमेन का मतलब होता है सिंपल सा डेफिनेशन, ऑल एक्स वेयर वाई इज रियल, वो सारे एक्स मेरे चलेंगे जहां पर वाई मेरा रियल नंबर आ जाए। और हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज का मतलब होगा ऑल वाई वेयर एक्स इज रियल। इज दैट क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, पहले डोमेन की बात करेंगे अपन, डोमेन कैसे निकालें, उसके बाद अपन रेंज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं y = 1/(x-3), ठीक है, यहां fx लिखा भी हो तो आप उसको y लिख दिया करो, है ना, y = 1/(x-3). अब यहां पर मैं x का वैल्यू सपोज 0 लेता हूं तो y कितना आएगा, 1/(0 - 3) है ना, 1/-3, क्या ये रियल नंबर है, यस है। यदि मैं x को 1 लेता हूं तो मेरा y कितना आएगा, 1/(1 - 3), तो ये मेरा आएगा 1/-2, ये भी रियल नंबर है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सब रियल नंबर होते हैं। x = 2 लेता हूं तो y = आएगा 1/(2 - 3 - 1), -1 आया ना, ये भी मेरा रियल नंबर है। x = 3 रखता हूं तो मेरा y आएगा 1/(3 - 3), 1/0, विच इज अनडिफाइंड, विच इज नॉट ए रियल नंबर। और x को मैं 4 रखता हूं तो y = 1/(4 - 3) 1/(1 = 1) बिलोंग्स टू रियल नंबर। इज दैट क्लियर। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बस ये 3 एक ऐसा नंबर है जहां पर हमको प्रॉब्लम आ रही है कि फंक्शन रियल नंबर नहीं दे रहा। इज दैट क्लियर गाइज। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में 3 को हम नहीं ले सकते, 3 हम अलाउ नहीं करेंगे, बस इतना सा पता करना रहता है। तो हमारा डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स -3, ऐसा लिखने का तरीका होता है, मतलब 3 को छोड़ के सब कुछ चलेगा,
ये मेरे को समझाना था तो मैंने आपको इतना बताया, अगली बार से आप इसको देख के ही बोल देना यार, ये x माइनस थ्री है मतलब x को 3 नहीं ले सकते, x को 3 लेंगे तो 3 माइनस थ्री 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो ऐसे कर लिया करो। तो जहाँ भी कहीं डिनोमिनेटर दिखे तो आप तो ऐसे याद रखो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस वो 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एक और छोटा सा एग्जाम्पल इसी डोमेन का, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इज दैट क्लियर? इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, सपोज करो इसका डोमेन निकालना है हमको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये डिनोमिनेटर है, तो ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करें गाइस, ये तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल। देखो अपन पढ़ तो रहे हैं डोमेन निकालना, और यहाँ जरूरत क्या पड़ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप ये फील करोगे कि ये मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है कि जब आप अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं ना, तब से आज तक की हर चीज काम आती है आपको, है ना। कई सब्जेक्ट तो स्टार्ट ही 11th से होते हैं, तो उनकी तो अपन बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये तो वो सब्जेक्ट है जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज़ भी आप रियलाइज करते हैं बड़े होने के बाद कि जिस जिस क्लास में जो जो चीज़ आपने अच्छे से नहीं पढ़ी वो यहाँ फिर प्रॉब्लम देती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पसंद नहीं था तो यहाँ फिर प्रॉब्लम आएगी आपको गाइस। तो हर चीज़ को मैथमेटिक्स को बहुत इंटरेस्ट के साथ हर क्लास में पढ़ना चाहिए। ये आपका x कॉमन ले लें तो x माइनस 4, फिर माइनस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 फिर से कॉमन, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो गाइस जब इक्वल टू 0 होता है तो अपन ये दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, अब नॉट इक्वल टू 0 है तो इन दोनों को 0 के नॉट इक्वल कर दो, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 चलेगा ना वैसा ही। तो ये 4 इधर ले लो तो x इज नॉट इक्वल टू 4, और इसको लेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 और 4 दो हम अलाउ नहीं कर सकते x की जगह, तो ये मेरा डोमेन आ गया। तो ऑल रियल नंबर चलेंगे माइनस एक्सेप्ट 1, 4, बस ये दो नहीं चलेंगे। ये तरीका होता है गाइस डोमेन निकालने का, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर से एक डोमेन निकालेंगे अपन। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब अपने को यह भी ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर कोई चीज है तो वो हमारी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर गाइस? और अब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखें, एक्स वाली चीज़ों के साथ माइनस रखा ही मत करो, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, माइनस से दोनों तरफ इंटू करेंगे तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये पता है ना, ये अपन दोनों तरफ माइनस से इंटू करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। फिर इसके दो फैक्टर करेंगे तो एक आएगा एक्स प्लस 2, फिर आएगा एक एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर? अब ऐसी चीज़ों को सॉल्व कैसे करते हैं गाइस, मालूम है, बताया था मैंने आपको, ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए वही वेवी कर्व बनाते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इससे एक्स का वैल्यू आएगा माइनस 2, इससे एक्स का वैल्यू आएगा प्लस 2, है ना। फिर यहाँ से कर्व आएगा ऐसा 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 ऐसा, ये मुझे यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव वाला चाहिए पार्ट, तो माइनस 2 से प्लस 2 तक मेरा आंसर आ जाएगा, माइनस 2 से प्लस 2 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू है, तो ये मेरा x बिलोंग टू दिस और यही मेरा डोमेन है। इज दैट क्लियर गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब मैं यहां पर एक और क्वेश्चन ले रहा हूं लास्ट डोमेन का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका डोमेन निकालना है ना। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने लगते हैं, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3,
और इसको वो कैंसिल कर लेते हैं और आंसर आया y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। और फिर वो ये सोचते हैं कि सर ने सिखाया था कि x को क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखती, सब कुछ ले सकते हैं। जीरो लोगे तो थ्री आ जाएगा, ऑलवेज ही रियल नंबर आएगा ना, माइनस थ्री ले लोगे तो भी जीरो, माइनस फोर तो भी माइनस वन एवरी टाइम। तो वो ऐसा बोल देते हैं कि डोमेन इक्वल टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर चलेंगे गाइस। तो ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं आप यहाँ पर, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या गलती हुई है यहाँ पर। गलती ये हुई कि आपने इसको ऐसे कैंसिल कर दिया। ये कैंसिल करना तभी अलाउ है जब ये दोनों ज़ीरो ना हो, अदरवाइज ऐसा लगता है कि आपने जीरो अपॉन जीरो को काट दिया, ऐसा अलाउ नहीं है। यस नो? और ये कब ऐसा कैंसिल कर सकते हैं? जब एक्स थ्री नहीं हो, तभी तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? और वो तो अपने को यही दिख रहा था, एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर नहीं है रियल नंबर, आंसर है रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री, तीन के अलावा सब कुछ ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब अपन रेंज निकालना सीखते हैं। ये तो बात हुई डोमेन की, रेंज कैसे निकालना वो भी समझ लो। y इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, सपोज ये क्वेश्चन है, इसका डोमेन भी निकाल चुके हैं अपन आज अभी, है ना, थोड़ी देर पहले निकाला था ना y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का डोमेन, ये रहा, इसी का अपन रेंज निकाल रहे हैं। रेंज के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करके x निकाल लो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो x माइनस थ्री इक्वल टू वन बाय वाई लिख दिया, तो x इक्वल टू आ जाएगा वन बाय वाई प्लस थ्री। इज दैट क्लियर? बस अब आप ये सोचो कि y को क्या क्या ले सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मुझे तो दिखाई दे ही रहा है, मेरी तो अच्छी प्रैक्टिस है ना, मुझे तो पता ही है ना, अभी अभी सिखा रहा था मैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो y को जीरो नहीं ले सकते, बस बाकी सब चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रेंज है वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, बस जीरो को छोड़ के सब चलेगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज बोथ, दोनों चीज़ हम निकालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो कि जैसे एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन अपॉन एक्स माइनस फोर। इस क्वेश्चन में हमको डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, तो पहले अपन डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे ही दिख रहा है कि x को हम 4 नहीं ले सकते, तो x नॉट इक्वल टू 4, यानी कि डोमेन मेरा हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, उसमें से 4 को हटा दो, बस r माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब रेंज निकालते हैं, रेंज निकालना सिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया था कि रेंज निकालने के लिए इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, तब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा इसको। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन के दो फैक्टर करेंगे तो x प्लस फोर, एक्स माइनस फोर होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कैंसल। आप बोलोगे सर अभी अभी तो आपने मना किया, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था आप कैंसल तो कर सकते हो लेकिन ये मान के करना कैंसल कि x 4 नहीं है, तो ये तो मान चुके हैं ना अपन, ये x इज नॉट इक्वल टू 4 अपन कहाँ मना कर रहे हैं ना, ये भूलना मत एंड तक। तो ये x नॉट इक्वल टू 4 तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो y इक्वल टू क्या आ गया गाइस, x प्लस 4। उल्टा लिखूं एक ही बात है, x प्लस 4 इक्वल टू y, तो मेरा x इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 4। इज दैट क्लियर? यहाँ पे बच्चा फिर गलती करता है, वो क्या करता है कि y को कुछ भी रखें तो x रियल नंबर आएगा, 1 रखो तो रियल नंबर, 2 रखो तो रियल नंबर, तो वो ये बोल देता है कि रेंज इक्वल टू
ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि वाई को कुछ भी रखेंगे तो चलेगा। ये गलत हो गया, मैं बताता हूँ क्यों गलत हो गया। वाई को 8 रख के देखो क्या आता है। 8 रखोगे तो 8 माइनस 4 4 आएगा, x 4 आएगा, जबकि क्वेश्चन में पहले ही अपन ये बात कर चुके हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 4, तो y भी कोई ऐसा नहीं लेना जिससे x 4 आ जाए। ऐसा लगेगा कि आपने अपनी ही बात को बोल करके वापस आप पलट गए। यस नो, तो क्वेश्चन की ही बात क्वेश्चन को कभी नहीं काटनी चाहिए, ध्यान रखना। तो इसका मतलब मैं y को क्या नहीं ले सकता, 8 नहीं ले सकता। फिर आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, हमें कैसे याद आएगा। बिल्कुल याद आ जाएगा, आपने ये बोला x इज नॉट इक्वल टू 4 और ये x ही है ना, तो आप यहां पर ऐसा लिखो ना कि y माइनस 4 ये जो मेरा है ये नॉट इक्वल टू x, नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि x 4 नहीं हो सकता। तो y इज नॉट इक्वल टू ये माइनस 4 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसको देख के समझ आता है ऐसा। तो मेरा जो रेंज बनेगा वो बनेगा ऑल रियल नंबर्स माइनस 8 को छोड़ के सब चलेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए। डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, और रेंज मेरा क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8। इज दैट क्लियर गाइज, ऐसा करना है। और बताता हूं जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं, ये बहुत रिस्की टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डोमेन और रेंज दोनों निकालने का बोला है, और क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलिए सबसे पहले मैंने डोमेन निकालेंगे अपन। तो मैंने क्या सिखाया था कि डिनोमिनेटर में कोई चीज है तो जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, और अंडर रूट के अंदर कोई चीज है तो वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर मैंने ये भी सिखाया था कि एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव नहीं चलेगा, तो साइन चेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 शुड बी यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ पर लेस कर दो, लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर इसके दो फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर मैंने सिखाया था वेवी कर्व बनाना, यस नो, तो वेवी कर्व बनाओगे तो ये ऐसा कर्व बना लो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये माइनस 4 यहाँ प्लस 4 यहाँ, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, यहाँ पॉजिटिव आएंगे, आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू यानी नेगेटिव चाहिए, तो माइनस 4 से प्लस 4, ये मेरा डोमेन आ गया, दैट्स इट। माइनस 4 से प्लस 4 सब चलेगा। जो बच्चे थोड़े से शार्प होते हैं उन्हें तो वैसे ही दिख जाता है कि यार ये एक्स है, 4 से बड़ा लेंगे तो 16 से भी बड़ा नंबर बन जाएगा ये, तो वैसे ही नहीं चलेगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा। माइनस 4 लेंगे तो भी चलेगा, मगर माइनस 5 ले लेंगे तो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आपका 25 बना देगा और निगेटिव ला देगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं हो पूरा पूरा करना है आपको। इज दैट क्लियर गाइस, ये तो हो गया हमारा डोमेन। अब हम बात करेंगे रेंज की। इसी क्वेश्चन में हम रेंज निकालते हैं, तब देखिएगा रेंज कैसे निकालना। रेंज के लिए मैंने वापस से वही लिख लेना है फंक्शन y इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइस। अब क्या करें अपन, मेरे को इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। जब तक रूट हटेगा नहीं मैं करूंगा कैसे, तो स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं। तो इधर y की स्क्वायर हो गई y स्क्वायर, और इधर मेरा हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा रूट हट गया, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब क्या करें, अब ये जो अंडर रूट के अंदर पार्ट है ये भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यस नो, ये तो वैसे ही आ गया। देखो आप ये जो अपन ने करा था ना 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वैसा ही तो आ गया यहां पर 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो जब ऐसा का ऐसा है तो इसका जो आंसर आया था वैसा ही इसका आना चाहिए। तो y बिलोंग्स टू माइनस 4 टू प्लस 4, यही आना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये हमारा क्या हो गया,
रेंज हो गया। ऐसा लोग करते हैं जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है ना। एग्जाम में भी ऐसे ही तो टीचर क्रॉस कर देती रेड इंक से, है ना, और फिर खट्टे से 0 मार्क्स दे देती है ना। फिर हम रोते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमने चीज़ों को अच्छे से समझा ही नहीं, है ना। मैं बताता हूँ कि इसमें ऐसी मिस्टेक हो रही है जो हमें कई बार पता ही नहीं चलती। एक नजर पूरे क्वेश्चन में हर जगह डाल लो, आपको कुछ दिखता है क्या यहाँ पर? कुछ ऐसा गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? क्वेश्चन सारा सही है, मगर कुछ ऐसी चीज है जो आपको पकड़ में आई है क्या? मैं बताता हूँ आपको। मैंने ये भी बताया था आपको मेरे पिछले वीडियोस में कि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होते। और ये जो वाई है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, वो किसी चीज का रूट है, इसका मतलब वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की चीज दिखे तो यहीं पर लिख दिया करो, ताकि वो हमेशा दिखती रहे। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, वाई बिलोंग्स टू -4 to +4, इसका मतलब आपके जो निगेटिव वाले वो तो रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। यस नो? तो अब इसको करेक्ट करो इस चीज को। तो अब आप लिखो कि बट वाई इज स्क्वायर रूट, विच कैन नॉट बी निगेटिव। y किसी का स्क्वायर रूट है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। Therefore, y belongs to 0 to 4। ये इसका रेंज आया। Is that clear, guys? तो डोमेन था -4 to 4 और रेंज है मेरा 0 to 4। Is that clear? तो ये आपको बहुत केयरफुल रहना इस तरह के रिस्की क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, और जानबूझ करके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो गाइस याद रखना, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तू जला ले। कोई गलती क्वेश्चन में नहीं होने देना है। आगे बढ़े। अब एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत आता रहता है। क्वेश्चन ये है, थ्राइस ऑफ एफ एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ वन बाई एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3x, फाइंड एफ वन। ये बहुत एक पॉपुलर पैटर्न है, इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि अपन कैसे करें इस क्वेश्चन को। देखिएगा, सबसे पहले इसको लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। थ्राइस ऑफ एफ एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ वन बाई एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3x, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो पहले ओरिजिनल क्वेश्चन को। राइट गाइज, अब देखो आपको निकालना एफ वन, इसका मतलब यदि आपको एफ एक्स पता चल जाए तो उसमें x की जगह 1 रख देंगे। अल्टीमेटली आपको लाना क्या है, एफ एक्स, यानी कि मेरे को ये एफ वन बाई एक्स हटाना, ये मुझे नहीं चाहिए। और उसी की ट्रिक में सिखा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना। अब देखिए, पुट x इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसमें जहां जहां x है उसकी सबकी जगह 1 बाई एक्स रख दो। तो ये मेरा बनेगा 3f 1 बाई एक्स प्लस 4f 1 बाय 1 बाई एक्स 1 बाय 1 बाई एक्स, तो इसको तो x ही लिख देते हैं ना, तो ये 2 बाई एक्स हो जाएगा। 3 बाय x की जगह 1 बाई एक्स, तो ये मेरा 3x आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करके लिख दो, यानी पहले एफ एक्स वाला टर्म, बाद में 1 बाई एक्स वाला टर्म। तो ये मेरा बनेगा 4 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ 1 बाई एक्स इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहने दो, 2 बाई एक्स प्लस 3x। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? अब ये दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मेरे को ये वाला पार्ट हटाना है एफ 1 बाई एक्स। तो बहुत अच्छी तरह से इलिमिनेशन मेथड होता है जो अपन जानते हैं। देखो फिर आ गया इक्वेशन सॉल्व करना, ये भी हमने स्कूल लेवल में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो हटाना है, तो इसका मेरे पास एक ही तरीका है कि ये जो 3 है इसका इंटू कर दूंगा मैं इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस पूरी इक्वेशन में। इज दैट क्लियर? तो ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा गाइस 9x। 3 से इधर पूरे को इंटू कर रहा हूँ, 9 एफ एक्स, सॉरी
नाइन एफ एक्स प्लस 12 एफ वन बाई एक्स इक्वल टू 6 एक्स प्लस 9 बाई एक्स, है ना। इक्वेशन नंबर वन को मैंने काय से मल्टीप्लाई करा, 3 से। अब इक्वेशन नंबर टू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 16 टाइम्स एफ एक्स प्लस 4 3 12 टाइम्स एफ वन बाई एक्स इक्वल टू मेरा बनेगा 4 2 8 बाय एक्स प्लस 4 3 12 एक्स। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब अपना काम हो जाएगा। माइनस 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 और माइनस सिंप्लीफाई करना है, ये मेरा पार्ट कैंसल हो गया। 9 एफ एक्स में से 16 एफ एक्स गए तो माइनस 7 टाइम्स एफ एक्स बचेगा इक्वल टू, ये 6 एक्स है और ये माइनस का 12 एक्स है तो माइनस का 6 एक्स बचा, और ये 9 बाई एक्स में से गया 8 बाई एक्स, ये दोनों एक जैसे टर्म है ना, ये 9 बाई एक्स माइनस 8 बाई एक्स तो ये मेरा बनेगा 1 बाई एक्स। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बन जाएगा, अब इक्वेशन में थ्रू आउट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा बनेगा 7 टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 1 बाई एक्स, ये साइन पलट दिए मैंने थ्रू आउट, और ये एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 बाई 7 सिक्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो गाइज मेरे को फाइंड क्या करना था, एफ वन चाहिए था क्वेश्चन में, बस अब तो x की जगह 1 रख दो, जहाँ जहाँ x है तो 6 माइनस 1 हो गया, 5 बाई 7 इज माई आंसर, दैट्स इट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दो, याद रखना, ये तो ये सब जगह मिल जाएगा, इवन आपको IIT JEE में मिल जाएगा, स्कूल के 12th लेवल के एग्जाम में मिल जाएगा आपको, इसके अलावा CAT ZET CMAT ये वो जितने भी एग्जाम जहाँ फंक्शन होता है तो ये एग्जामिनर की पेपर सेटर की पहली चॉइस होती है ऐसे क्वेश्चन देना, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इवन पूछा जा चुका कई बार, इक्वल टू 1, तो फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड करना है एफ वन बाई 50 प्लस एफ टू बाई 50 प्लस एफ थ्री बाई 50 और ऐसे करते करते आपको कहां तक जाना है, एफ 49 बाय 50, है ना। कोई आपसे पूछेगी इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स है, तो यहाँ पे 1 है, ये पहला टर्म है, सेकंड टर्म में 2 है, लास्ट में 49 है, तो टोटल इसमें 49 टर्म्स है, ध्यान रखना है ना ये चीज, इस चीज का मेरे को वैल्यू निकालना है। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो पहले मैं लिख रहा हूँ एफ वन बाई 50, इसके पड़ोस में लास्ट वाला लिख रहा हूँ मैं एफ प्लस 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 एफ 49 बाय 50 प्लस, ये मैंने एक पेयर सा बना दिया, फिर एफ टू बाई 50 ये सेकंड टर्म, और सेकंड लास्ट टर्म लिखूं तो ये 49 के जस्ट पहले 48 बाई 50 आएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे मैंने पेयर बनाता गया तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे और लास्ट में कौन बचेगा, 24 पेयर ऐसे बन जाएंगे और लास्ट में बचेगा एफ, कौन बचेगा, सेंटर वाला, और सेंटर में कौन होगा, 25 बाई 50, यही बचेगा गाइस। इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट स्टेप, एफ 1 बाई 50 प्लस एफ, इसको लिख सकते हैं 49 बाई 50 को 1 माइनस 1 बाई 50 प्लस एफ 2 बाई 50 प्लस एफ 1 माइनस 2 बाई 50 24 पेयर ऐसे बना दिए प्लस एफ 25 बाई 50 यानी इसको मैं 1 बाई 2 लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर गाइज? अब इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में दिया वैसे ही दिख रहा ना, क्वेश्चन में ये दिया है कि एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो ये ऐसा ही तो दिख रहा है एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स, तो ये मेरा 1 हो गया, ये भी मेरा 1 हो जाएगा, ऐसा चलता जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 पेयर, है ना, प्लस एफ 1 बाई 2, तो ये जो 1 1 1 ये कितनी बार आ रहा, 24 पेयर्स थे, 24 टाइम्स 1 आएगा तो 24 हो जाएगा प्लस एफ 1 बाई 2, बस इसका वैल्यू मिल जाए तो मेरा सारा काम हो जाएगा। अब एफ 1 बाई 2 मैं कहां से लाऊं, इसमें रख के देखें क्या है 1 बाई 2 एक्स की जगह ओरिजिनल क्वेश्चन में, एफ 1 बाई 2 प्लस एफ
या 1/2 एक्स की जगह रखेंगे तो 1 - 1/2 अगेन f(1/2) इक्वल टू 1। अरे आ गया, ऐसा लग रहा है। या ट्वाइस ऑफ f(1/2 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा मेरा f(1/2 इक्वल टू 1/2। 0.5 लिख दूं चलेगा? हाँ ठीक है, एक ही बात है। तो ये मेरा 24 प्लस 0.5 आ गया, ये वाला है ना इसका वैल्यू। तो फाइनल आंसर हो गया मेरा 24.5। अगेन दिस क्वेश्चन इज मेनी टाइम्स आस्क्ड इन JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक कैट, जैट, IPM, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। FN इक्वल टू 1 - 1/n, FN - 1 एंड F1 इक्वल टू 1 फाइंड F। फाइंड 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। कहां तक जाओगे? 100 तक चले जाओ और क्या। F1 अपॉन F100। वैसे कहीं तक भी जाओगे आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है तो वैसा करना है अपने को। बोलिए कैसे सॉल्व करें इसको। देखो क्वेश्चन में F1 तो दे ही रखा है 1, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। तो F2 से ही स्टार्टिंग करें, ये निकाल लेते हैं। तो F2 निकालते हैं, F2 इक्वल टू, तो FN की जगह 2 रखेंगे, तो जहां जहां N है वहां 2, 1 - 1/2 F। यहाँ N को 2 रखेंगे, 2 - 1 1, और यह 1 - 1/2 क्या बनेगा, 1/2 इंटू F1 कितना है 1, फाइनली क्या आया 1/2। चलो F3 निकालें, कितना स्मूथली चल रहा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 - 1/3 F3 निकालना है, तो जहां जहां N है वहां 3 रख दो, F यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 - 1, 1 में से 1/3 गया तो 2/3 बचा, और F2 तो अभी भी निकाल रखा अपन ने 1/2, तो ये मेरा 1/2, ये मेरा 2 से 2 कैंसल, तो फाइनली क्या आ गया मेरा 1/3, है ना। अब आप ज़्यादा लोड क्यों लेते हो, आपको समझ आ ही गया होगा कि जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1/2 आ रहा है, जब यहाँ 3 लिया तो यहाँ 1/3 आया, तो इसका मतलब जब यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ 1/4 आएगा, और जब यहाँ 100 लेंगे तो 1/100 आएगा। इज दैट क्लियर? बस अब आपको ये चीज निकालना थी 1 अपॉन F1, तो 1 अपॉन F1 यानी कि 1 F1 तो दे रखा है, प्लस 1 अपॉन F2 इसका वैल्यू। F2 कितना था, 1/2 यानी कि 1 अपॉन 1/2, F3 1 अपॉन 1/3, और इसे करते करते F100 यानी 1 अपॉन 1/100, तो ये तो मेरा 1 ही है। ये पलट के 2 ऊपर गया तो 2 + 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। तो अल्टीमेटली आपको 1 से 100 तक का टोटल करना है। यस नो? सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक फार्मूला होता है ना, नेचुरल नंबर के सम करने का, n (n+1/2) ऐसे भी कर सकते हो, या इसको AP सीरीज मान के करोगे तो AP भी तो है n/2a+l, तो कैसे भी करो यार गाइस, सम ही तो करना है। तो 1 से 100 तक का टोटल हो जाएगा 100 × 100 1/2, तो इसके बाद आ जाएगा 5050। ये सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि 2 से कैंसिल होकर 50 आ रहा है, 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5050 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चैनल पे बने रहिएगा और एक से एक अच्छे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इवन आपको फंक्शन का एक सेशन अभी और मिलेगा, जिसमें कुछ चीजें आपको और मिलेंगी अच्छी अच्छी। ग्राफ ऑफ फंक्शन कैसे होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।